अगर आप मंडे की शाम को हवाई से एक न्यूजीलैंड की फ्लाइट लेते हैं तो आप रास्ते में ट्यूसडे की शाम से होकर वापस मंडे की शाम में आ जाएंगे और फिर से ट्यूसडे इवनिंग में पहुंच जाएंगे। और क्योंकि आप हवाई जहाज से सफर कर रहे हो तो आपको रास्ते में सफर में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप जब न्यूजीलैंड पहुंचेंगे तो वहां होगी वेडनेसडे मॉर्निंग। लेकिन जो डिस्टेंस है हवाई और न्यूजीलैंड के बीच, उस हिसाब से आपको फ्लाइट में सिर्फ 9 घंटे लगेंगे। लेकिन यहां आप मंडे की शाम को निकले थे और वेडनेसडे की सुबह पहुंचे, सिर्फ 9 घंटे में ही आपने करीब 35 घंटे बिता दिए। वेट, व्हाट है ना, दिमाग चकराने वाली बात। लेकिन ये कोई टाइम ट्रेवल की कहानी नहीं है, ये सब हो रहा है इस लाइन की वजह से। ये लाइन है द इंटरनेशनल डेट लाइन। इसके एक तरफ अलग दिन है और दूसरे तरफ अलग दिन। इस लाइन के बीच 21 घंटे का फर्क है। बहुत से छोटे बड़े आइलैंड इस लाइन के आसपास लगते हैं और वहां के लोग ऐसे ही एक दिन से दूसरे दिन में जंप करते रहते हैं। सो हू मेड इट एंड व्हाई, आई विल एक्सप्लेन यू लेटर। सी यू टुमारो, रिमेंबर दिस।